खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हम इस समय खड़े हैं जिला अयोध्या, स्थान है गांधी पार्क। आज दिनांक 26/2019 को गुलाबबाड़ी से हल्ला बोल मार्च ई रिक्शा वालों ने निकाला था, जिनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही थी। उनकी मांगे हैं कि जैसे कि उन्हें जबरन टैक्स वसूला जा रहा है और पुलिस वाले उनसे ज़बरदस्ती रुकवा के पैसे लेते हैं, उनको ई रिक्शा चलाने नहीं दे रहे हैं, लोग कहते हैं इधर से नहीं चलाना है तुम्हें। ये सारी मुद्दाएं हैं जिसको लेके ई रिक्शा वाले आज हल्ला बोल मार्च निकाले थे। आज हमारा हल्ला बोल रैली ये हम लोगों ने निकाला, और उसका निकालने का मेन मकसद जो था हमारा, तमाम जगह अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए। सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर टोकन के नाम पर, कार पार्किंग के नाम पर हम लोग से 10 रुपये की, पहले 20 रुपये लेते थे, फिर एक दिन पुलिस वाले पकड़ ले गए, बाद में उनको मारा पीटा, लेकिन 10 रुपये की फिर भी वसूली वो आज भी जबरन कर रहे हैं। कोई नहीं देता है तो गाली गलौज भी करते हैं। तो उसके खिलाफ कि हमारी वो रेलवे स्टेशन जो अवैध वसूली हो रही है उसको तत्काल रोका जाए, और नगर निगम के जितने टोकन है, यानी हमारे 50 रुपये का टोकन बनते हैं, उसको भी तत्काल निरस्त किया जाए। कैंट में जाते हैं 20 रुपये का टोकन लगता है, अयोध्या में जाते हैं 10 रुपये का लगता है, नाका जाते हैं 10 रुपये का लगता है, तो सब मिला के 40 ये हो गया। 10 रुपये हमारा रेलवे स्टेशन वाला ले लेता है, तो 50 रुपये का टोकन हमारा हो जाता है, 300 रुपये किराया, 350 रुपये हमारा खर्च हो गया, और अगर 500 कमाया तो हमारे घर में 150 रुपये आए। हल्ला मोड़ मार, ये जाम होने के कारण चौक में हमको सब लोग घूमना नहीं जा रहा था, अभी टोकन पलता है, बीते टोकन की वजह से हम लोग अभी सब धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और मैडम चौक में भी बहुत जाम लग जाता है, और टोकन स्टेशन पलता है, और नाका पे भी कोई लोग टोकन लेते हैं, जितने दिन के लिए टाइम लिए हैं साहब उतने दिन में अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, ना तो फिर हम तो धरना प्रदर्शन फिर देंगे। और जगह जगह 1200-1500 की रसीद काटते हैं, और हर जगह पे वसूल ये कर रहे हैं, जैसे 20 रुपये की रसीद कट रही है, उसके बाद जहाँ जहाँ देखिए पुलिस वाले रोक के मारना, ये करना वो करना, यही सब जरूरी है, इसीलिए आंदोलन किया गया है। हम लोग कहीं के 250-300 रिक्शे वाले इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह पे ये अवैध वसूली हो रही है टोकन के नाम पे, नगर निगम के नाम पे, और ये जो चौक से हम लोग 4 बजे जाते हैं, 4 बजे के बाद तो यहाँ पे हमें फतेहगंज से रोक दिया जाता है, नाले से रोक दिया जाता है, रिकाबगंज से चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। अगर हम किसी तरह सवारी बैठा के नाका से लेके आते हैं तो उसके बाद जब सवारी को हम चौक तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो सवारी हमको पैसा देने में दिक्कत करती है, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान होता है। दूसरी बात क्या है कि पुलिस वाले बड़ी गाड़ियों से 10-20 रुपये ले के उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ एंट्री करवा देते हैं, पर रिक्शे का एंट्री नहीं होता है, ये परेशानी है। और जब रेलवे स्टेशन का जो अवैध टोकन है, ये टोकन हटाया जाए, और जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है रिक्शा चालकों भाइयों को, तो उसको हटाया जाए। अरे रिक्शा भाइयों के साथ अभी तक लोगों ने उपयोग के जगह दुरुपयोग किया है, तो हमारा ये है कि भाई जो चौक की वसूली है उसको बंद कीजिए, चौक का स्टैंड आप कहे थे वो भी नहीं मिला है हम लोगों को, और रेलवे स्टेशन पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो अवैध वसूली चल रही है इसको भी तुरंत तत्काल नष्ट किया जाए। अगर इस पर अगर लोग अभी कहा करके गए हैं जिला मजिस्ट्रेट साहब, अगर उस पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 5 दिन के बाद फिर ई रिक्शा लेकर के तैयार हैं। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।